Hello dear students, welcome to the class today. How are you all doing? I hope you all are doing fine. So here we are again back with this chapter 6, natural vegetation and wildlife. We are proceeding with this chapter. Many interesting things you have come to know about the different kinds of forests that are found in all over the world. Last class we discussed about temperate deciduous forest. Okay, deciduous forests are found in the temperate region. I explained you which region is called as temperate region. Please understand, this is equator. Okay, this is equator. Upar jayenge, here we have Tropic of Cancer, here we have Tropic of Capricorn. जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाते हैं देन इट इज द टेम्परेट रीजन, टेम्परेट टाइप ऑफ अ क्लाइमेट. अब बहुत अच्छा, सबसे अच्छा होता है ना, बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना ही बहुत ज्यादा ठंडी होती है. इट्स अ वेरी माइल्ड टाइप ऑफ अ क्लाइमेट दैट पीपल विटनेस हियर. बड़े लकी होते हैं वो लोग जो टेम्परेट रीजन में रहते हैं. यस, बिकॉज द एनवायरमेंट इज रियली फ्रेंडली एनवायरमेंट, बहुत ही अच्छा सा एक माहौल होता है. ओके, एंड कहां पे वी फाइंड दिस टेम्परेट रीजन? ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चाई, एंड द ट्रीज दैट वी फाइंड इन द मेडिटेरेनियन रीजन, इट इज ओक, एश, बीच. अभी ये यहां पे क्या है, इस इन ट्रीज के बारे में वी आर नॉट नोइंग मच बिकॉज दीज काइंड ऑफ क्लाइमेटिक ट्रीज, इस तरह के जो पेड़ है वो इंडिया में नहीं मिलते हैं बिकॉज इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल रीजन. इंडिया यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वेन इंडिया इज हियर नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इंडिया में टेम्परेट काइंड ऑफ क्लाइमेट जब नहीं है तो टेम्परेट काइंड ऑफ वेजिटेशन और टेम्परेट काइंड ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट फाउंड. गॉट इट? Please understand, tropical region. India is in the tropical region. हमारे यहां से Tropic of Cancer होके गुजरता है. How I'll tell you? हाँ, I'll explain it to you. I mean, you have heard of the Sanchi Stupa? हाँ, definitely you might have heard about Sanchi Stupa. तो क्या हुआ कि Sanchi Stupa is located in Bhopal. ओके, भोपाल से 15 किलोमीटर दूर, जैसे वाराणसी से 15-20 किलोमीटर दूर इज द सारनाथ. इन द सेम वे हम भोपाल गए थे. भोपाल में आई मीन फ्रॉम द स्कूल ओनली वी हैव टेकन द स्टूडेंट्स. सो दे सेड कि टुडे वी विल बी टेकिंग यू टू सांची स्तूपा. वी विल वेरी हैप्पी, चलो अच्छा है सांची स्तूपा देखेंगे. नाइस प्लेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकली. नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन वी वर गोइंग टू सांची स्तूपा, रास्ते में एक जगह पे बस रोकी. So we said कि यहां पे क्या है, what is to be done here? They said, ma'am, ये वो जगह है, this is the place from where Tropic of Cancer is passing. ये जो line है, मतलब on the world arena, दुनिया में ये जो हम एक imaginary line खींची हुई है about the equator, अबाउट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब भाई बनी हुई थोड़ी है. टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को समझने के लिए हमने अपनी तरफ से ये लाइन बनाई है. ठीक है, सो दैट इज वाई दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. गॉट इट? तो क्या हुआ कि जब हम ईस्ट एंड नॉर्थ, तो वी अंडरस्टूड कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, यहां पे वी हैव एमपी, एमपी में देयर इज भोपाल, एंड फ्रॉम भोपाल द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग. तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. आई अंडरस्टैंडिंग? सो वी अंडरस्टूड कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग थ्रू दैट प्लेस. सो वी हैव गॉट अ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ अ क्लाइमेट, वी डोंट हैव अ टेम्परेट टाइप ऑफ अ क्लाइमेट. टेम्परेट क्लाइमेट वी फाइंड जब हम ट्रॉपिक से ऊपर जाते हैं. दिस इज पोल,
नॉर्थ पोल साउथ पोल, पोल से नीचे एंड ट्रॉपिक से ऊपर जब जाते हैं दैट इज द टेम्परेट रीजन. गॉट इट? तो मेजरली दिस काइंड ऑफ अ क्लाइमेट दैट वी फाइंड, हम जो इस तरह के क्लाइमेट हमको मिलते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट क्लाइमेटिक कंडीशंस आर वेरी फेवरेबल इन सम ऑफ द प्लेसेस. क्या होता है, मैं देखो व्हाट आई वांटेड टू से इज बिकॉज मैं तो एकदम बिल्कुल गर्मी से परेशान हो गई हूं. व्हेन इट इज एक्सट्रीमली हॉट तो इट्स वेरी अनकंफर्टेबल. आई डोंट नो वेदर यू फील इट और नॉट, बट आई डेफिनेटली फील दैट दिस वेदर कंडीशंस, एक्सट्रीम हॉट वेदर कंडीशंस आर डेफिनेटली नॉट वेरी गुड. ओके, नाउ वी फाइन, नाउ वी सी दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ अ क्लाइमेट. Please understand, Mediterranean is the region which is in and around Europe. ठीक है, this is called as the Mediterranean vegetation. अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के आपको पेड़ मिलेंगे, पौधे मिलेंगे. माइन इन डिफरेंट प्लेसेस यू गेट डिफरेंट काइंड ऑफ अ वेजिटेशन, isn't it? तो that is there. Most of the east and northeast margin of the continent. Got it? हमारे जो एशिया है, एशिया के ईस्ट में एंड नॉर्थ ईस्ट में टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिड्यूस फॉरेस्ट आर देयर एंड वेस्ट एंड साउथ वेस्ट कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट. ओके, तो वहां पे क्या है, देयर इज मेडिटेरेनियन वेजिटेशन. कहां पे मिलता है, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ कॉन्टिनेंट. हम किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं, वी आर इन विच कॉन्टिनेंट, एशिया. यस, सो इन द वेस्टर्न रीजन वी हैव द मेडिटेरेनियन काइंड ऑफ अ वेजिटेशन विच इज फाउंड मेजरली इन द नियर द मेडिटेरेनियन सी. टूडे आई विल शो यू वेयर मेडिटेरेनियन सी इज लोकेटेड. ओके, मेडिटेरेनियन सी में आपको बताऊंगी वेयर इट इज लोकेटेड. तो मेडिटेरेनियन सी के पास में ये ऑल दिस क्लाइमेटिक कंडीशंस आर प्रिवेलिंग एंड मोस्टली फाउंड इन यूरोप, अफ्रीका, एशिया. एशिया में भी सम प्लेसेस में वी फाइंड दिस काइंड ऑफ अ मेडिटेरेनियन काइंड ऑफ अ वेजिटेशन, बट मेजरली वेयर इट इज फाउंड, Mediterranean vegetation is found in Europe, some parts of Asia and Africa. Got it? तो आप इस तरह से समझो कि it is Mediterranean region के बाहर भी मिलता है. It is not because majorly it is located in and around Mediterranean Sea. मतलब जिस तरह का क्लाइमेट Mediterranean Sea के आसपास है उसी तरह के क्लाइमेटिक conditions में we are finding this kind of a vegetation. That's why it is called as the Mediterranean vegetation. It is also found in USA. ठीक है, it is also found in California, in USA. Because it is temperate na, temperate region mein it is found, temperate Mediterranean vegetation majorly it is found in the temperate region. So, Southwest Africa mein, please understand, California and USA, Southwest Africa, all these places, Western region mein hai. Got it? Southwest Africa. Now, beautiful climate with beautiful conditions, people are witnessing a very nice kind of a weather. And these regions, kya hota hai yahan pe? Sabse pehle we have understood where the Mediterranean vegetation is found. किस एरिया में हमको मेडिटेरेनियन वेजिटेशन मिल रहा है, पहले तो हमने इस चीज को समझने की कोशिश की है.
Now please understand what kind of a weather is there. There is hot and dry summer. काफी थोड़ी गर्मी होती है. Okay? And rainy winters. Mild, हल्की फुल्की. ठीक है? Mild rainy winters. बारिश होती है. ठीक है? जाड़े में भी बारिश होती है. And the kind of vegetation that is found here, किस तरह के फल फूल मिलते हैं यहाँ पे, ये समझने की कोशिश करो. We find citrus fruits, बहुत ज्यादा citrus fruits, मतलब जो खट्टे वाले होते हैं. क्या क्या होते हैं खट्टे वाले में? Orange, fig, olive, grape. यहाँ पे it is cultivated, बहुत ज्यादा इसकी खेती होती है, because people have रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन. जो फॉरेस्ट एरियाज था ना, फॉरेस्ट एरियाज को क्लीन करके पीपल आर ग्रोइंग दीज थिंग्स. तो क्या क्या? ऑरेंज, ग्रेप, ओके, फिग इज ऑल्सो वेरी नाइस काइंड ऑफ, बहुत अलग तरीके का एक फ्रूट होता है, थोड़ा खट्टा सा होता है खाने में. ओके, एंड देन ऑलिव. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इसको समझने की कोशिश करो, दैट द साइट्रस फ्रूट्स दैट आर देयर, इट इज वेरी गुड फॉर योर बॉडी. है ना? आज क्या कहते हैं, नींबू का पानी पियो. ये अगर आपको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना है तो ज्यादा से ज्यादा नींबू का इंटेक करो. ये तो है. तो साइट्रस फ्रूट्स आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द इम्यून सिस्टम ऑफ एनी ह्यूमन बॉडी. अब आप समझ लो, द पीपल हु आर स्टेइंग इन दिस रीजन, इस एरिया में जो लोग रहते हैं उनका इम्यून सिस्टम कितना अच्छा होगा, बिकॉज दे गेट लॉट ऑफ साइट्रस फ्रूट्स टू ईट ना, काफी सारे इनको ये खट्टे वाले पदार्थ मिलते हैं खाने के लिए. नाउ व्हाट हैपेंड, यहां पे लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ इज नॉट फाउंड, जंगली जानवर बहुत ज्यादा नहीं मिलते. क्यों? क्योंकि पीपल हैव क्लीन्ड द फॉरेस्ट एरिया. लोगों ने फॉरेस्ट एरिया को साफ कर करके, एंड दे हैव मेड द प्लांटेशंस ऑफ ऑरेंज, ग्रेप, फिग. दूर दूर तक आपको जैसे ग्रेप का प्लांटेशन नजर आएगा, मतलब पूरा ग्रेप के ही बागान है, या फिर संतरे के ही बागीचे नजर आएंगे. ओके, तो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि वाइल्ड लाइफ इज नॉट फाउंड. एनिमल्स के को तो फॉरेस्ट चाहिए ना, जब फॉरेस्ट क्लीन कर दिया है तो अभी फिर अभी क्या कर सकते हैं. एक तो ये हो गया. ओके, नाउ आफ्टर दिस, दिस वॉज द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ अ वेजिटेशन, जो कि मेडिटेरेनियन रीजन में मिलता है. मेडिटेरेनियन ही नहीं, इट इज फाउंड इन द अदर रीजन ऑल्सो. Now the another kind of a vegetation is, that is vegetation nahi hai, it is the forest, coniferous forest. Coniferous forest. Please understand iska matlab, isko coniferous kyun kaha gaya hai? Why it is called as coniferous? Kyunki the base word is, ye kya hai? What is this? इसको हम कहते हैं कोन, पॉइंटेड टुवर्ड्स द टॉप. ओके, एंड द ट्रीज दैट आर फाउंड हियर आर इन द कोन शेप, पॉइंटेड टुवर्ड्स द टॉप. कल मैंने एक पिक्चर बनाया था ना, इस तरह की जो पिक्चर्स थे, ये पेड़ जो होते हैं ऐसे पॉइंटेड होते हैं. तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में इसी तरह के पेड़ मिलते हैं. And it is found around 50 degree to 70 degree latitude. Please understand, 50 degree to 70 degree latitude. Got it? And northern hemisphere mein, the spectacular coniferous forest are found. Matlab, it is very beautiful. Wahan pe, matlab, everybody... जिसके पास भी थोड़ा बहुत भी पैसा है ना, वो वहां पे जाके एक बारी देखना चाहता है कि व्हाट एक्चुअली सो ब्यूटीफुल अबाउट दिस फॉरेस्ट. ओके, एंड दिस कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड एज टाइगा. क्या कहते हैं? टाइगा. ओके,
नाउ हायर एल्टीट्यूड्स में है, बहुत ही ऊंचाई पे सिचुएटेड है, जहां पे सलीमा हैज फाउंड कि हिमालयस में दीज काइंड ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन अबंडेंस, ये आपको हायर एरियाज में ही मिलेगा। तो हमारे यहाँ पे कहाँ मिलता है, वेयर वी हैव द हिमालयस, जहां पे हिमालयस है देयर वी आर गेटिंग द कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ओके, तो दिस सबसे द मेजर फीचर्स ऑफ दिस काइंड ऑफ अ फॉरेस्ट इज दैट कि ट्रीज जो हैं दे आर टॉल, काफी ऊंची ट्रीज होती हैं। ओके, सॉफ्ट वुड, बहुत हार्ड नहीं होता है इसका वुड, सॉफ्ट वुड एंड एवरग्रीन, हमेशा हरियाली रहती है। ठंडा है ना, बहुत गर्मी में क्या होता है कि पत्तों भाई हमको जितनी गर्मी लगती है, जब द प्लांट्स आल्सो ब्रीथ, प्लांट्स आल्सो बिकम वेरी अनकंफर्टेबल इन एक्सट्रीम हीट, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो प्लांट्स भी बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ओके, नाउ इस द ट्रीज दैट आर फाउंड हियर, ये जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, ये जो ट्री है इसका इट इज वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प। ठीक है, दीज ट्रीज आर यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प। अभी पल्प समझो, व्हाट इज पल्प, वुड ले लो इस प्लांट का, कॉनिफेरस प्लांट का जो भी ट्री है उसका वुड, मतलब छोटे छोटे उसके वुड के टुकड़े कर लो और उसको पानी में डाल दो रात भर के लिए। इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप यू विल फाइंड इट हैज टोटली मिक्स्ड इन द वॉटर, अब वो लुगदी टाइप, आई मीन इट एकदम पल्प ऐसे वो बन गया है, मतलब वुड का पल्प बन गया है, गीला पाला पूरा एकदम पेस्ट बन गया है, दैट इज कॉल्ड एज पल्प। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस ट्रीज आर, कॉनिफेरस ट्रीज, कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड द ट्रीज दैट आर रिलेटेड टू इट। ओके, अभी इसका ये जो पल्प है इसका क्या इस्तेमाल होता है, What do we use this pulp for? We are making paper. Okay. हाँ, ये जो कागज आप यूज करते हैं इसके लिए इसी पल्प का इस्तेमाल होता है. Okay? Making paper and newsprint. ये जो newspapers आप पढ़ते हैं इसका प्रिंट के लिए जो कागज आता है, दिस इज देयर। मैच बॉक्सेस, पैकिंग बॉक्सेस आर आल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड। मैच बॉक्स आपको पता ही है एंड अदर बॉक्सेस, बड़ा बड़ा जो बॉक्स होता है, कार्टन जो होता है, कार्टन देखा है ना, कार्टन, यस, वो जो बड़ा सा कार्टन होता है, That kind of things are also made from these coniferous forest trees. Any plants ke through wo carton bhi banta hai. To match boxes, packing boxes, sab kuch isi soft wood se ban raha hai. And the name of the trees that are found in this kind of a vegetation is, please understand, very rare trees are there. Plain area mein you will not find these trees. Isko kehte hain cheer, pine, cedar. Softwood is there. So it is a variety of trees are important in these forests. Animals, which kind of animals are found in these forests? किस तरह के जानवर आपको मिलते हैं यहाँ पे, यू विल फाइंड, क्योंकि बहुत ऊंचे पौधे हैं ना, तो बहुत यू विल नॉट फाइंड वेरी वाइल्ड एनिमल्स हियर। ओके, सो यू विल फाइंड सिल्वर फॉक्स, आई टोल्ड यू ना, वाइल्ड एनिमल्स, सांप, बिच्छू, इस तरह की चीजें, बिकॉज यहाँ पे इट इज वेरी आई मीन वेरी नाइस एंड वेरी कोल्ड ओवर हियर, तो द एनिमल्स विच हैव गॉट द फर, जिनके बहुत सारे रोए होते हैं, उसी तरह के एनिमल्स आपको यहां पे मिलेंगे। ओके, सो यू गेट वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल एनिमल्स हियर, लाइक फॉक्स, पोलर बेयर, व्हाइट वाले जो होते हैं, वो वाले भालू। ओके, कॉमन एनिमल्स दैट आर फाउंड हियर।
टाइगा, टाइगा का मतलब पता आपको क्या होता है? टाइगा जो हमने कहा कॉनिफरस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज टाइगा फॉरेस्ट बिकॉज इट इज कॉल्ड एज अनटच्ड। रशियन लैंग्वेज में इट इज कॉल्ड एज अनटच्ड, जिसको आज तक किसी ने छुआ नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज टाइगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉनिफेरस फॉरेस्ट। द नेक्स्ट सेट ऑफ फॉरेस्ट दैट आर देयर, फॉरेस्ट नहीं है हर जगह, फॉरेस्ट थोड़ी होता है, ओके। एवरीवेयर यू डोंट फाइंड द फॉरेस्ट, सम प्लेसेस यू फाइंड द ग्रास लैंड। ग्रास होता है, ठीक है, आपको वो घास वाली जो चीज होती है, ये जो ग्रासलैंड्स मिलते हैं, किस तरह के ग्रासलैंड्स होते हैं एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ग्रास, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ग्रास, ग्रासलैंड्स आर रियली इंपॉर्टेंट। एंड कहाँ पे ये ग्रासलैंड्स होते हैं, क्या इसके फायदे हैं, ये मैं आपको बुक में ही एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू इन द बुक ओनली एंड आई विल शो यू थोड़ा सा वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट वाली ब्यूटी भी दिखानी है ना। यस, वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर्स आर गिवन इन द बुक, आई विल शो यू दैट ऑल्सो, ओके चिल्ड्रन। चलो देखते हैं, लेट्स सी। सो चिल्ड्रन, आई टोल्ड यू आई विल बी शोइंग यू सम फोटोग्राफ्स, ब्यूटिफुल पिक्चर्स। यू नो, एक चीज मैं आपको बताऊं, ऑल दीज नेचुरल वेजिटेशन एंड द ग्रास लैंड्स एंड द श्रब्स एंड स्क्रब्स एंड द थॉर्नी फॉरेस्ट, ऑल दीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इन चीज़ों के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग दिस, थोड़ा सा इसको इमेजिन करने की कोशिश करना। Just try to think and try to imagine about a place which is full of greenery, full of birds chirping around and beautiful animals and deer around. और दूर कहीं पे आपको एक पोला बेयर नज़र आ रहा है, एक भालू, लेकिन भालू पास में नहीं आना चाहिए। If it comes nearby, तो फिर problem हो जाएगी, isn't it? I was just trying कि you must always witness and you must always know about the nature's beauty, isn't it? So that is there. The different kinds of animals that are found in this natural vegetation, because it is forest area. Forest area exclusively meant for the animals. मैंने कहा ना, हमको घर चाहिए, हम शहरों में रहते हैं, जानवरों को भी तो घर चाहिए, तो वो जंगलों में रहते हैं, दैट इज़ देयर हाउस एंड दैट इज़ देयर होम, ओके। नाउ मेडिटेरेनियन वेजिटेशन वी हैव टॉक्ड अबाउट वन, वेरी नाइस, आई टोल्ड यू। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, दिस इज़ अ वाइन यार्ड मेडिटेरेनियन रीजन में, थोड़ा सा देखो हल्की हल्की पहाड़ है एंड दिस इज़ द ग्रेप्स फील्ड, दिस इज़ द कम्प्लीट लैंड जहाँ पे कि ग्रेप ग्रो करते हैं। इट इज़ अ प्लांटेशन विच इज़ ग्रोइंग ग्रेप एंड देन ऑन दीज प्लांटेशंस यहाँ से ग्रेप निकाल के एंड देन वाइन इज़ प्रोड्यूस्ड। वाइन इज़ अ लिकर, वाइन इज़ अ ड्रिंक दैट इज़ वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। हमारे यहाँ इंडिया में भी वाइन इट इज़ एट वेरी लिमिटेड, लेकिन इन यूरोपियन रीजन्स ऑल द वाइन इज़ मेड एंड एक्सपोर्टेड। The people who are into the wine business, they are making lot of money they are making. Got it? तो ये ही वाइन यार्ड होता है जहाँ से कि अंगूर प्लक करके एंड देन नियर बाय देयर आर इंडस्ट्रीज वेयर द वाइन इज मैनुफैक्चर्ड, ओके। इंडस्ट्रीज नहीं होते हैं एक्चुअली, इट इज़ मैनुफैक्चरिंग सेंटर्स, कुछ प्रेसिंग मिल्स होते हैं, वहाँ प्रेस करते हैं, फिर प्योरीफाई करते हैं, फिर रिफाइन करते हैं, पैकेजिंग पैकेटिंग सारी चीज़ें होती हैं ना, तो दैट इज़ हाउ द वाइन कम्स टू द मार्केट, गॉट इट। इसके बाद एक यहाँ पे बहुत बढ़िया सी चीज़ दी हुई है, फाइंड आउट द हार्ड वुड एंड द सॉफ्ट वुड। अपने आसपास जब आप देखेंगे ना, व्हेन यू सी नियर बाय एरियाज, तो कुछ ना कुछ पेड़ आपको ऐसे ज़रूर नज़र आएंगे जो या तो एक कुछ तो हार्ड वुड क्वालिटी हैं एंड सम ऑफ द ट्रीज आर सॉफ्ट वुड क्वालिटी। बहुत ही आई मीन हार्डवुड से यू नो फर्नीचर्स आर बीइंग मेड एंड फ्रॉम सॉफ्टवुड पेपर्स आर बीइंग मेड।
रिमेंबर पल्प बना के और उसका जो पेपर बनाते हैं, यस वी हैव। तो आपके लोकेलिटी में आप पता करना सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड कितने सारे हैं, पता चल जाएगा। बाहर मत निकलना, डोंट मूव आउट, ये कहने कह के कि ओ मैम ने कहा है बाहर जाना है, देखना है। नाउ आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू द कॉनीफेरस फॉरेस्ट। आई गेव यू एन एक्सप्लेनेशन, रिमेंबर वॉट एक्सप्लेनेशन आई हैड, द कॉनिकल स्ट्रक्चर दैट इज देयर, कोन्स, ये देखो कोन्स, ओके, कॉनिकल स्ट्रक्चर। एंड दिस काइंड ऑफ कॉनिकल स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट विच आर कॉल्ड एज कॉनिफेरस फॉरेस्ट, गॉट इट। तो ये कोन लाइक स्ट्रक्चर इज मेकिंग द ट्रीज, इज मेकिंग द फॉरेस्ट लुक वेरी ब्यूटिफुल। माउंटेनियस रीजन में ही ये मिलते हैं आपको, यू वॉन्ट फाइंड इट इन द प्लेन रीजन, इजंट इट। सो इट इज कॉल्ड एज कॉनिफेरस फॉरेस्ट। यू नो गॉड हैज मेड एवरीथिंग सो सिस्टमैटिक, गॉड हैज मेड एवरीथिंग इन अ सच अ प्लान्ड वे। क्योंकि क्या होता है, इन द हिली एरियाज देयर इज लॉट ऑफ स्नोफॉल। तो अगर फ्लैट पेड़ होंगे तो स्नो के वजह से वो पेड़ गल जाएंगे। दीज काइंड ऑफ कॉनिकल स्ट्रक्चर्स में, जैसे सपोज स्नोफॉल इज हैपनिंग, अगर बर्फ गिर भी रही है तो बर्फ गिरेगी उसके बाद नीचे झड़ जाएगी, इट विल कम डाउन, इजंट इट। सो दैट्स व्हाई दीज काइंड ऑफ, यू नो, नेचर हैज गॉट एवरीथिंग इन अ प्रॉपर बैलेंस्ड मैनर, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, गॉट इट। दैट इज वॉट इज मेंशनड हियर। So this balance is giving a very different structure. Okay, so these forests that are there, coniferous forest in the conical form. Then you have, just see, a snow-covered coniferous forest. I told you na, bina barf ke coniferous forest aisa dikhta hai. Barf ke saath coniferous forest looks like this. Isn't it beautiful? कोनिकल स्ट्रक्चर है। अभी ये देखो, यहाँ पे बर्फ गिरी और ये सारी बर्फ फिर नीचे गिर जाएगी, इट विल ऑल फॉल डाउन, इजंट इट। तो दिस इज हाउ कॉनिफेरस फॉरेस्ट विल वर्क, एंड दैट इज हाउ द कॉनिफेरस फॉरेस्ट वर्क्स, गॉट इट। दीज एरियाज हैव गॉट दीज काइंड ऑफ ट्रीज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट इज देयर। Now you just see the grassland. First I'll explain you the grassland, isn't it? Grassland, grass, you know, ghas, yes. Some lands that are there in some areas, it is full of big grass. ठीक है? It's called as grassland, tropical grassland. And कहाँ पे मिलते हैं? It is found in the अदर साइड, ईदर साइड ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के ही आसपास नजर आएगा। एंड सपोज दिस इज अर्थ, इक्वेटर है, तो यू विल फाइंड ग्रासलैंड्स हियर एंड हियर एंड टिल ट्रॉपिक। हियर इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हियर इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जहां तक ट्रॉपिक है वहां तक, वेयर एवर देयर इज द ट्रॉपिकल रीजन टिल देयर द ग्रासलैंड्स हैव एक्सटेंडेड, ओके। एंड मॉडरेट, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए टू ग्रो दीज काइंड ऑफ ग्रास लैंड्स, जहाँ पे सिर्फ दूर दूर तक घास नजर आ रहे हैं। अ वेरी माइल्ड काइंड ऑफ अ क्लाइमेट, मॉडरेट काइंड ऑफ अ क्लाइमेट इज नीडेड। एंड ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, कुछ तो ग्रास एरिया, सम ऑफ द ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स दैट आर देयर, दे ग्रो टू वेरी हाई हाइट, अबाउट 3 to 4 meters इन हाइट, गॉट इट। एंड देन यू हैव द सच बिग ग्रासेस आर ऑल्सो देयर, जिसमें एलिफेंट छिप जाते हैं। येस चिल्ड्रेन, आई एम नॉट जोकिंग, एफ्रीका के जो ग्रास लैंड्स हैं, द ग्रास लैंड्स दैट आर फाउंड इन एफ्रीका आर एज बिग एज दैट एलिफेंट्स कैन ऑल्सो वॉक थ्रू इट, एंड नोबडी कैन सी कैन एलिफेंट इज वॉकिंग। तो इमेजिन इस तरह के बड़े बड़े ग्रास लैंड। तो ये दीज काइंड ऑफ बिग ग्रासेस, दीज काइंड ऑफ बिग ग्रास लैंड्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन। एलिफेंट, ज़ेब्रा, जिराफ, लेपर्ड्स, दीज आर कॉमन इन द ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स, कॉमनली फाउंड। आप हर जगह जहां पे भी ग्रास लैंड्स है वहां पे दीज एनिमल्स कैन बी ईजिली फाउंड, ओके। ये देखो ग्रास लैंड, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड में वॉट काइंड ऑफ अ फीचर इज देयर, आप लोगों ने अपने गाँव में भी आसपास देखा होगा, इज़न्ट इट।
Then you have the temperate grasslands. Got it, children? Temperate grasslands का feature क्या है? एक तो पहले आप ये देख लो, temperate grasslands में you find giraffe. Yes. अब मैं आपको giraffe से related एक story बताने वाली हूँ. It's a very inspiring story. Yes. It is a very inspiring story. लेकिन हाँ चलो लेट्स सी, आई विल टेल यू दिस स्टोरी इन द नेक्स्ट क्लास, बट इट्स वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ जिराफ. गॉट इट चिल्ड्रेन? थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू.